साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बिजनौर में वर्धमान डिग्री कॉलेज में आज पीएम मोदी ने दौरा किया। फिजिकल रैली होनी थी लेकिन मौसम खराब होने के कारण पीएम का फिजिकल दौरा रद्द हो गया। बाद में पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली करने बिजनौर की जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए देश के पीएम सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। वहीं पीएम की वर्चुअल रैली के बीच जनता में काफी ज्यादा उत्साह दिखा। बलिया के बांसडी विधानसभा से घोषित प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी ने नामांकन किया। नामांकन के बाद राम गोविंद चौधरी ने कहा अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह यूपी में दंगा कराने की कोशिश करें, बीजेपी ने बंगाल में मुंह की खाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का हाल बेहाल रहा, अब की बार यूपी में वही होगा अब जो बंगाल में हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी नहीं तो दंगा कराने की कोशिश शुरू करें। दंगा कराने वाली इसमें सरकार में है, किसी भी दंगा नहीं हुआ। अमित शाह बंगाल में मुंह की खा के आए, मध्य प्रदेश में मुंह की खाए, छत्तीसगढ़ में मुंह की खाए, राजस्थान में मुंह की खाए, इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मुंह की खाए जिससे फिर उत्तर प्रदेश में लौट के आने की उनकी इच्छा नहीं हो। देवरिया विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बीच सदर सीओ श्रीयस त्रिपाठी ने कर्मियों के साथ निरीक्षण कक्ष का जायजा लिया। नामांकन दाखिल करने में पथरदेवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही, देवरिया सदर से शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना से बसपा प्रत्याशी पुष्पा देवी, बरहत से कांग्रेस प्रत्याशी रामजी गिरिज सहित और लोग भी शामिल रहे। कितने सेटों में नामांकन करेंगे आप? तीन सेट में। क्या मुद्दे रहेंगे आपको चुनाव को लेकर? पहले नामांकन कर लें फिर बता दें प्लीज। दो सेट में नामांकन दाखिल किया है पथरदेवा 338 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी का बेसिक प्रारंभिक कार्यकर्ता हूं और उसके नाते पार्टी ने मुझे विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं उनको हृदय से अपने नेताओं को आभार प्रकट करता हूं। आज देवरिया जनपद में नामांकन का तीसरा दिन है और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया। और आपको बता दें कि यहां पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और निर्दल कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया और आपको इस तस्वीर में दिखा सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पुख्ता इंतजाम कर बैठी है। और बता दें कि यहाँ रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया है जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्राइम टीवी रवि रावत देवरिया। सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री रहे जय प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ अभय प्रताप सिंह मौजूद रहे। नामांकन के बाद जय प्रताप सिंह ने मीडिया में दावा किया है कि विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, इसी के साथ सड़कों के निर्माण कार्यों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है और आगामी चुनाव में मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी जीत का दावा किया है। अब जितने भी प्रदेश के कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होते हैं, वो नीचे तक लागू होना, हर एक परिवार को वो सुविधा देना जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है और उनका जीवन स्तर बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे चिकित्सालयों का हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, इन सब चीज़ का साथ साथ में विकास करना, ये हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। वहीं सहारनपुर में विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के कई फतवे को कथित रूप से विवादास्पद और भ्रामक बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद आयोग ने यूपी सरकार और जिलाधिकारी को नोटिस जारी करके जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को नोटिस जारी किया है, साथ ही विवादित फतवे के लिंक को वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। निश्चित रूप से जो भी भारत सरकार का कानून है, जो भी बाल
बाल अधिकार के संबंध में है या महिला अधिकार के संबंध में है, अगर किसी भी कानून का उल्लंघन पाया जाएगा तो उनको समुचित जो है अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा, और मौका देने के बाद भी यदि ये लगता है कि किसी कानून का उन्होंने जानबूझ कर उल्लंघन किया है तो इसमें निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बस्ती में 6वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व मंत्री और हरैया विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। हरैया से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह, बस्ती सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाराम चौधरी, महादेवा सरचित सीट से बीएसपी के लक्ष्मी चंद्र करबार, कप्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का दावा किया, अपने क्षेत्रों में विकास की बात कही। वही नामांकन दाखिल करने के बाद लक्ष्मी चंद्र खरवार ने कहा कि मैं टाइटल खरवार लिखता हूं लेकिन मैं सर्व समाज के लिए राजनीति करता हूं। विधानसभा का उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज पर्चा दाखिले के बाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। मैं लोकसभा की बात नहीं करता हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। हरैया विधानसभा में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा संस्थान, सबसे ज़्यादा संख्या में धार्मिक स्थानों का उद्धार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से पीपे का पुल बना है, दो पुल और है। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बन के तैयार है और उसमें भी दवा चल रही है, उसमें भी मरीज जा रहे हैं। कि मुंडेरवा की मिल आप जानते ही हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, अनुनय किया, विनय किया, प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मिला। मुंडेरवा की शुगर मिल बन करके तैयार हुई और वो चालू भी होगी। उसमें हजारों बेरोजगारों को नौकरियां भी मिली, तमाम छोटे मोटे दुकानदार, खुंचा वाले, चाय वाले, ठेला वाले, पान वाले, बीड़ी वाले, सिगरेट वाले, उनको रोजगार भी मिल गया। जो वहाँ की आबादी थी, व्यापारियों की, छोटे मोटे व्यापारी थे, उन व्यापारियों की भी चेहरे पर रौनक आ गई। और वही नहीं, लगभग 50,000 किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाई गई है उस मुंडेरवा मिल को चला कर। उन्होंने कहा था बहुत बड़े पैमाने पर गरीबों की तरक्की करूंगा। आप गरीबी रेखा का लिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए कहां देश जा रहा है। तो ये सरकार हर मोर्चे पे बुरी तरीके से फेल है। मैं चाहता हूं हरिया के लोगों से अपील भी है और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी अपील है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनावे, पूरा हर तबका खुशहाल होगा, हर तबके की तरक्की होगी। मैं जात का चमार हूँ और खरवार जो है टाइटल मेरी है और मैं वहाँ खड़ा उतने मैं सर्व समाज को, ऐसा नहीं कि मैं एक जात से, ये राजनीति जो होती ना एक जात की, ना मैं करूँगा ना मैं आज तक कभी किया हूँ। खबर औरैया से है जहां जीतमल क्षेत्र के अमेलिया गांव में विवाहिता की हुई मौत के बाद पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मायके पक्ष की एक बच्ची को चोट लग गई। मायके पक्ष के परिजनों ने विवाहिता को जहरीली पदार्थ देने का आरोप लगाया। वही हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। वही पीड़िता परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की जाँच जारी है। मैं चाय वगैरह में उसको पॉइजन दिया और देने के बाद उसकी मृत्यु सैपई ये लोग लेके पहुंचे, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु होने के बाद डॉक्टर ने वहाँ मृत घोषित करने के बाद उसको पीएम के लिए इटावा भेजा। हम लोग कल पीएम करा के रात्रि 9 बजे ये लोग डेड बॉडी लड़का पक्ष को सौंप दी गई। लड़का पक्ष अपने घर पे डेड बॉडी को लेके आया। उसके बाद हमारे लड़की पक्ष के लोग सुबह हम लोग आए, बाकायदा थाने गए, थाने से फोर्स लेके यहाँ पर आए। उसके बाद में दरोगा जी ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद, हम लोग मुकदमा पंजीकृत करा रहे थे, इतने में यहाँ पर ग्रामीणों में ने हमारी महिलाएं यहीं पे थीं, एक छोटी सी बच्ची भी थी महिलाओं के साथ में, उसको यहाँ एक सभासद है कोई, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ बकायदा, उस सभासद ने यहाँ पर ग्रामीणों को उसका के विवाद, बहुत बड़ा बवाल करा दिया एकदम। वो लड़की के चोटें आई हैं, वो अस्पताल में। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम औसमी है। एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई जिसमें मायके पक्ष द्वारा ससुराली जिलों पे जहर लेकर मारने का आरोप लगाया गया है, जिसमें तहरीर प्राप्त होकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
और इसके अलावा एक जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मारपीट के संबंध में हुआ, जिसमें बच्ची को चोट लगी, बच्ची को हम लोग जो है सीएससी अस्पताल अजीत मन। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में किसान की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को देखकर किसानों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस हत्याकांड के मामले में मृतका की पत्नी ने गाँव के 3 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आज के घटना में ये आए थे यहाँ ऐसे खेत की तरफ आए थे खेत देखने, तो ये लोग सब बैठा लिए थे ताश खेलने में, तो ये सब बैठे थे ताश खेलने में तो यही लोग सब मारे हैं। कौन लोग? ये नईम था और 2-3 लोग थे, आरिफ था और सनगांव के थे, उनको हम मतलब जानते नहीं हैं। ऐसे आ जाएंगे सामने तो पहचान जाएंगे, ऐसे नहीं जानते। आरिफ नईम वो सनगांव के साथ खेतों की ओर जाते हुए देखे गए थे। आज सुबह जब गांव के लोग खेतों को आए तो देखा कि प्रमोद कुमार की ईंट से कुचलकर हत्या की गई है, जिसके संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती आरती द्वारा थाने पर सूचना दी गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गाँव की एक आरती देवी महिला हैं। उन्होंने थाने पर सूचना दिया है कि उनके पति प्रमोद कुमार सनगांव के कुछ लोगों के साथ बाग में कल शाम को जाते हुए देखे गए थे। आज सुबह में उनका शव बरामद हुआ है तालाब के किनारे। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि उनकी सर पे वार करके चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन कर लिया गया है। पंचायतनामा भरवा करके डेड बॉडी को मार्चली के लिए भेज दिया गया है और समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक और क्रूज जीप में आमने सामने में भिड़ंत हो गई है। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि फतेहपुर में बांदा की तरफ से जा रहे इस दौरान ये हादसा हो गया। जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर तिंदवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर मार्ग पर छापर गाँव का यह मामला बताया जा रहा है। छापर गाँव में तिंदवारी कस्बे से आगे सामने से ट्रक आ रहा था, जिसमें एक्सीडेंट होने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें एक बाइक सवार भी बीच में आ गए थे, जो छापर में अपनी बहन की ननद की शादी में आए थे, उनकी भी डेथ हुई है, जिसमें करीब 8 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाला छपरा पीछे करो। कितनी मौतें हुई सर? 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग अभी सीरियस हैं, इनका इलाज चल रहा है। टोटल 8 लोग घायल हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग रायबरेली के हैं, जो घायल लोग हैं ये रायबरेली के रहने वाले हैं, और एक लोग छापर के भी घायल हैं जो बाइक पर पीछे बैठे हुए। खबर चंदौली से है, जहां डीएम संजीव सिंह की ओर से बरहनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बगही बनारस राम जनता उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय नौबतपुर और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सोगाई के बूथों का निरीक्षण किया गया और वह उपस्थिति जन सामान्य को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया और मतदान के प्रति शपथ भी दिलाया गया। इसी के साथ जिलाधिकारी ने अपील किया है कि जो भी नए मतदाता है वह 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और अपने मत अधिकार का पहली बार प्रयोग करे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग स्वविवेक से करें। अगर कोई किसी तरह का दबाव डाला जाता है या वोट को के लिए कोई गलत प्रैक्टिस अपनाई जाती है, जैसे कि साड़ी बांटना, पैसे बांटना, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो तत्काल रिपोर्ट भी करेंगे। सी विजिल ऐप के बारे में भी उनको बताया जा रहा है कि उसके माध्यम से तत्काल वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो महिला और जो नए वोटर हैं उन चूँकि पहली बार नए वोटर हमारे 18 से एज पूरा किए हैं, पहली बार वोट करेंगे, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सरकार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। वही देवरिया में कई सालों से पथरदेवा की जनता अपने विकास की राह देख रही है। पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी परवेज आलम ने कहा है कि उनके पिताजी शाकिर अली के बाद जो भी प्रतिनिधि आया है उसने जनता को केवल ठगा है।
जिसको जनता अब समझ चुकी है। शाकिर अली ने अधूरे कार्य को अब उनके बेटे परवेज आलम पूरा करेंगे। मुझे भरोसा है पत्थरदेवा की जनता पे, जो मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी ने अन्याय किया है उसको याद रखते हुए, और मेरे पिता स्वर्गीय शाकिर अली साहब और मेरी संघर्ष को, त्याग को, कुर्बानी को, शहादत को याद करते हुए पत्थरदेवा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि ये जो भी चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, इन दोनों लोगों को हम लोग बुरी तरह से हराएंगे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बस्ती में 100% चुनाव में मतदान कराने के लिए जनता को जागरूक करने और समाज सेवी सहित कई संगठनों को इस महापर्व पर भाग लेकर चुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल खुद गांव-गांव जाकर जनता से अपील कर रही है कि 100% विधानसभा चुनाव में मतदान हो। जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल ने बताया कि हमारी हर संभव प्रयास है कि बस्ती जनपद में पुराने रिकॉर्डों को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए, जिससे मतदान का परसेंटेज बढ़े और जनता बढ़ चढ़कर मतदान करे। रोटरी क्लब के साथ मिल करके एक दस्तक अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है कि जहां पर भी हम लोगों का वोटिंग प्रतिशत कम रहा है पूर्व के चुनाव में, उन बूथों पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जा करके वहाँ पे दस्तक दिया जाएगा और वहाँ पे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि हम लोग अपना मतदान प्रतिशत बढ़ा सकें और इस लोकतंत्र के महोत्सव को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जो है लगातार जो हम लोग का दायित्व है वो निभाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ करके अपने मताधिकार। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर सदर में कोई प्रत्याशी ना होने पर टीम नोटा का गठन किया गया, जिसमें सभी को नसीहत दी गई है कि मतदान जरूर करें। शहर के कादरी गेट स्थित अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्र के प्रतिष्ठान में आयोजित हुई बैठक के दौरान नगर में कई महत्वपूर्ण लोग पहुंचे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के कई पुराने समर्थक शामिल हुए। नोटा के समर्थन में 194 विधानसभा फरुखाबाद में जो लोग नोटा के समर्थन में आ रहे हैं उन लोगों की एक बैठक थी और संगठित तरीके से नोटा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और चूंकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो जनता के हित के जो चेहरे थे उनको पीछे ढकेल के ऐसे प्रत्याशियों को चयन किया है जो जनता के अहितकारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये नोटा की बैठक है और नोटा प्रचार प्रसार पूरे चुनाव के लिए मतदान का प्रतिशत गिरे ना, इसलिए ये किया जाए। फतेहपुर के थाना कागा अंतर्गत कठोलेपुर में महिला शौच के लिए बाहर गई थी, तभी अचानक किसी तरफ से पत्नी पर फायरिंग की गई, जिसमें महिला को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला ने जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। 10 बजे के लगभग एक दिलीप नाम के व्यक्ति है, दिलीप यादव, अपनी पत्नी के साथ शौच करने के लिए बाहर घर से गए हुए थे और इनकी पत्नी के गले में गोली के निशान एवं पेट में 12 बोर के तमंचे से फायर के निशान हैं। इन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और किसी से इनकी कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और तहरीर प्राप्त होने पर 20 दिसंबर कार्रवाई की जाएगी। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं।